सो फाइनली गाइस ड्रीम स्लेयर की टीम ने यार कुछ हमारे बारे में भी सोचा है। नहीं नहीं मानता। एक बेमतलब की मूवी रिलीज करने के बाद और उससे काफी ज्यादा पैसा कमाने के बाद उन्होंने फाइनली गाइस एक ट्रेलर रिलीज किया है जिसमें भाई सीजन 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो सीजन 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और गाइस हमें इसका सीजन 4 देखने के लिए मिलेगा 12th मई को ही मिलेगा ना, सही बोल रहा हूँ मैं या फिर गलत, मैं यहाँ पे लगा दूंगा no. और गाइस मुझे जितना पता है यार इसकी मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई ना, मुझे लग नहीं रहा रिलीज हुई होगी या हुई है, मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर देना। और गाइस यार डेमन स्लेयर के टीम ने ये अच्छा तरीका ढूंढा है, कोई भी सीजन रिलीज करो उससे पहले यार उसका थोड़ा सा पार्ट एक मूवी बनाओ और रिलीज कर दो, पैसा ही पैसा। तो गाइस इसका यार एक ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है तो यार उसे भी चेकआउट कर ही लेते हैं इस वीडियो में साथ साथ, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी रह जाएगी वरना। और गाइस मुझे पता ही नहीं है कि इसका ट्रेलर आए हुए यार एक दिन हो चुका है, मुझे लगा अभी आया होगा थोड़े टाइम पहले, पर नहीं गाइस टाइम हो चुका है काफ़ी। तो गाइस ट्रेलर का नाम क्या है, ट्रेलर का नाम तो यार क्या ही होगा, डेमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ आर्क, डेमन स्लेयर कमित्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। मैं भाई अभी स्वॉर्डस्मिथ आर्क में फंसा हुआ हूँ, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो यार मुझे लगता नहीं है ये वाली आर्क इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई जो हिडन कैसल वाली आर्क होगी मुझे लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मांगा मैंने इसकी पढ़ी नहीं है पर मुझे जितना लग रहा है हाशिरा की ट्रेनिंग होगी, और तो क्या बताएंगे इसमें सबटाइटल होंगे जैपनीज ऑटो जनरेटेड, नहीं भाई जैपनीज के साथ जैपनीज सबटाइटल नहीं अच्छे लगेंगे ना। मोस्ट लाइकली हाँ वो तो डीमन सेंड करेगा ही भाई, वो ऐसे थोड़ी बैठा है, माइकल जैक्सन डीमन भेजेगा। नेज़ुको-चान これまでは柱がつぐ子以外に稽古をつけることは多忙ゆえ難しかったが、短期間に絞り鬼殺隊全体の底上げに全力を注ぐ。और गाइस ये वाला जिसकी आंखें नहीं है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है ना, जितना मुझे एटीट्यूड में पता लगा यही है शायद। これは重要な急務であるそう考えるゆえ私は柱稽古を提案した。柱की ट्रेनिंग चली है भाई, ये कौन है भाई, ये कौन आ गए भाई आशिरा की ट्रेनिंग में, ये कौन थे भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ ये कहीं हमारे आशिरा ही तो नहीं थे। नहीं पर मुझे लग नहीं रहा ये और करेक्टर थे ऐसे रैंडम, हाँ रैंडम जैसे हैं ये तो भाई। खाना भाई आशिरा की ट्रेनिंग है या आशिरा इन्हें दूसरे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। न्यू ओपनिंग भाई। और गाइस पिछली वाली यार जो इसकी ओपनिंग आई थी उसके ऊपर यार मैंने रिएक्ट किया, मुझे एक मेरी वीडियो ब्लॉक हो गई उसके बाद भाई मैंने उसकी ओपनिंग सुनी नहीं। इस बार पता नहीं क्या करेंगे ये, इस बार लेडी सिंगर है कोई। तांजिरो भाई ट्रेलर में कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं ना दे देंगे ये, इनका क्या पता भाई, पॉज कर लेते हैं थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी ना। May 12th तो गाइस वीडियो का टाइटल होगा डेमन स्लेयर रिलीज डेट इन इंडिया है ना, ठीक रहेगा ना। तो गाइस यार ट्रेलर में ऐसा तो कुछ यूनिक जैसा रिवील कर नहीं दिया जिसे मैं देख के बोलूं कि वाह क्या चीज़ है, नॉर्मल सा ट्रेलर था जैसा हर एक एनीमे का होता है। आशिरा भाई थम कमेंट नहीं पढ़ने, कहीं स्पॉइलर ना मिल जाए। ओ भाई सब क्या थंबनेल लगाया भाई, तांजिरो जैसे लग रहा है भाई अपना
सेवन डेडली सीन्स का करेक्टर लग रहा है पता नहीं क्यों। और गाइस बीबीएस भाई ने भी वीडियो, बीबीएस नहीं क्या बोलते, बीबीएफ भाई ने वीडियो डाल दी है, हम भी डाल देते हैं, क्यों पीछे रहना है ना, एडिट करता हूँ और डाल देता हूँ। और गाइस तुम्हें अगर ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर आप चाहते हो यार मैं किसी एनिमे के ऊपर रिएक्ट करूँ तो मुझे वो भी बता देना, उस बहाने से यार मैं भी कोई एनिमे चेकआउट कर लूँगा, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैं यार किसी भी एनिमे को नहीं देख पा रहा हूँ। एक दो शुरू की थी वो भाई वैसे ही रुकी हुई हैं, जैसे सिंगरेला फ्रंटियर हो गई, अपनी और भी थी यार किंगडम ऑफ र्यून हो गई, अभी यार निंजा कुनाई ऐसी थी वो भी भाई, इसके भी दो ही एपिसोड देखे मैंने शायद, और कौन है मैशली का यार सीज़न टू नहीं देखा अभी तक मैंने, वो तो यार बहुत सारी, एक एल्फ वाली एनिमे भी चली है वो भी नहीं देखी, ऑन गोइंग तो भाई बहुत सारी चली हुई हैं जिन्हें मैंने स्टार्ट किया पर भाई आगे देख ही नहीं पाया, यहाँ तक भाई मैं वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड भी नहीं देख पा रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा है भाई पता नहीं क्यों, एनिमे से कुछ मन सा मन ही नहीं करता। बाय गाइस मैं अपना दुख बताने के लिए नहीं आया था, बाय।